गाइज तो फाइनली AEW के इस रैम्पेज शो ओवर हो चुका है और गाइज AEW के ऑल इन पे पर व्यू के गो होम एडिशन रैम्पेज के ओपनिंग के ऊपर आज यहां पर AEW ब्रे वाइट को ट्रिब्यूट देते गए। यहां पर AEW के ब्रे वाइट को ट्रिब्यूट देने के बाद आज यहां पर AEW के ऑल इन के गो होम एडिशन रैम्पेज के ओपनिंग के ऊपर ही हमें यहां पर AEW का इंटरनेशनल चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिला, जहां पर AEW के इंटरनेशनल चैंपियन ऑरेंज कैसिडी AEW का इंटरनेशनल चैंपियनशिप एरन सोलो के खिलाफ डिफेंड करते गए। और गाइज इन दोनों के इस मैच के लिए आज यहां पर हार्ली कैमरॉन रिंग साइड एरिया पर मौजूद होती गए, जो कि टाइम टू टाइम आज इस पूरे मैच के अंदर काफी बार इंटरफियर करते गए। बट गाइज बात करें यहां पर ओवरऑल पूरे मैच की, तो गाइज आज यहां पर इन दोनों के इस मैच के अंदर हमें यहां पर मैच के ओपनिंग के ऊपर ऑरेंज कैसिडी मैच को डोमिनेट करते हुए दिखाई देते गए। बट गाइज यहां पर जैसे ही ऑरेंज कैसिडी उनका फिनिशर ऑरेंज पंच हिट करने की कोशिश करते गए, तो गाइज हार्ली कैमरॉन मैच के अंदर इंटरफियर कर देते गए, जिसके बाद कि एरन सोलो इस मैच का कंट्रोल लेते गए। और गाइज हमें यहां पर एरन सोलो की तरफ से मल्टीपल यहां पर पावर स्लैम देखने को मिलते गए। बट गाइज इसके बावजूद भी आज यहां पर इस मैच के अंदर फाइनली यहां पर हार्ली कैमरॉन को रेफरी ग्रीन साइड एरिया से हटा देता है, जिसके बाद कि ऑरेंज कैसिडी मैच के एंडिंग के ऊपर फाइनली उनका फिनिशर ऑरेंज पंच लगाते गए। और गाइज ऑरेंज पंच के साथ ऑरेंज कैसिडी एरन सोलो को बीट करके AEW के इंटरनेशनल चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते गए।